प्रत्येक गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये चैनल आपको रियल स्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस के साथ साथ रियल स्टेट ट्रेनिंग देने का भी काम करता है। मैं हूँ राजवंत सिंह मोहाली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक, जो लोग अपनी क्रिटिसिज्म से डरते हैं, मतलब कि लोग क्या कहेंगे, जैसे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जो लोग इससे इस बात से डरते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते या वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितनी उनकी कैपेसिटी होती है, उन लोगों के लिए है। मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग ब्राइट फ्यूचर। जितनी आपकी अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही गवर्नमेंट बढ़िया परफॉर्म करेगी। ये तो सियासी मसला है। अदरवाइज भी जिंदगी में यदि आप कोई काम कर रहे हो और आपका विरोध नहीं हो रहा तो ये समझो कि आप एक नॉर्मल काम ही कर रहे हो। यदि आपने कोई ऐसा काम करा होता जिस जो काम लोगों से अलग होता तो आपकी अपोजिशन होनी, आपका विरोध होना ये लाजमी था। तो यदि आपका विरोध नहीं हो रहा, यदि आप भीड़ के हिस्से में शामिल हो, भीड़ की तरह ही काम कर रहे हो, तो फिर आपका विरोध कोई करने वाला नहीं। जब तक आप ऐसा काम नहीं करते जो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना करे, दूसरे लोग सोचने पर मजबूर ना हो, तब तक आप वही काम कर रहे हो जो आप लोगों के आसपास में लोग कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जब हम कोई बड़ा काम करने की सोचते हैं या थोड़ा डिफरेंट काम करने की सोचते हैं तो हमें जो लोग हैं, हमारे आसपास का समाज है, माँ बाप, बहन भाई, चाचे ताऊ जो भी हैं, वो हमें समझाना शुरू करते हैं। पहले समझाते हैं, हम नहीं समझते तो फिर वो हमें डांटना शुरू करते हैं, फिर डांटने के बाद विरोध शुरू होता है और उसके बाद कई बार तो ये देखा गया कि सारे के सारे रिश्तेदार ही आपके खिलाफ हो जाते हैं और इससे भी बड़ा देखा गया है कि सारे का सारा समाज ही आपके खिलाफ हो जाता है। लेकिन यदि आप बिल्कुल अपनी उसमें क्लियर हो, अपने गोल में क्लियर हो और आप ये काम कर देते हो जिसके पीछे आप लगे हो और जिसके लिए इतनी विरोधता हुई है, तो आप कहीं ना कहीं फिर जीनियस बन जाते हो, बुद्धिमान बन जाते हो। जब मार्कोनी ने रेडियो बनाने की बात करी तो उसका सभी लोगों ने विरोध किया कि यार ये कौन सी बातें करता है, ये शराबी आदमी है, ये काम नहीं कर पाएगा। फिर चाहे गुरु नानक देव हों, उन्होंने लोगों से हटके बात करी, चाहे कोई और महापुरुष हों जिन लोगों ने हटके बात करी, उनका विरोध हुआ। गुरु नानक देव को भूतना बेताला तक कहा गया। तो यदि आप भी समाज में विचर रहे हो और आप कहोगे हम ठीक है जी, बड़े अच्छे नंबर लेंगे और कल को 20,000 की नौकरी करेंगे, 25,000 की नौकरी करेंगे, तो आपके लोग, आपके साथ वाले लोग खुश हो जाएंगे। जिस दिन आपने ये कहा नहीं कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, तो उसी दिन लोग आपको तिरछी नज़रों से देखना शुरू कर देंगे। कई तो आपको ऐसा भी कहेंगे कि तेरे बाप ने 5 लाख रुपया कमाया, कभी देखा है क्या तुम 5 लाख की, मतलब हवा में बातें करते हो, धरती पर आ जाओ। ये ऐसी इस तरीके की एडवाइस देते हैं। और जिनमें बेस्ट जो लोग हुए, जिन्होंने लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है, जैसे मैंने मार्कोनी का नाम लिया है, राइट ब्रदर्स का नाम लिया है और इसमें अरिस्टोटल का नाम लिया है, गलीलियो का नाम है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बात पर अड़े रहे, अपनी बात मनवाई। और आप समझ सकते हो कि इन लोगों की कितनी ज़्यादा अपोजिशन हुई होगी, कितना ज़्यादा अपोज किया होगा इन्होंने। पूरे का पूरा समाज, किसी को जहर का प्याला पिला दिया, किसी को सूली पे लटका दिया, किसी को बात इतनी थी कि वो अपनी बात पर अड़े रहे। और बात पर अड़े रहने का मतलब यह है कि समाज को, उस समय के समाज को, जो उसका समाज का मेंटल लेवल था उससे वो ऊपर ले लेवल की बात करते थे।
यदि वो ऊपर लेवल की बात करते थे तो वो नीचे वाले को समझ नहीं आती थी, कोई उनको पागल कहता था, कोई उनको यूथ करप्टर कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। हमने यदि हमें कोई अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हम कोई काम कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो हमने अप टू मैडनेस पैशन जज्बा जुनून के साथ काम करना है। और जिस दिन हम अपने मिशन में कामयाब हो गए तो यही लोग आपको सलूट मारते हैं। ये जो आदमी लोगों से हटके चलता है उसकी बात उस समय समाज को समझ नहीं आती, लेकिन आने वाले टाइम के बाद फिर लोगों को समझ आती है और लोग उसको मानता देते हैं, लोग उसको बुद्धिमान मानते हैं। जिस आदमी ने ये कहा होगा कि धरती गोल है या धरती सूरज के द्वाले घूम रही है, तब उसका कितना विरोध हुआ, लेकिन आज सच्चाई है कि वो लोग, हम उस लोग उन लोगों को बड़ी इज्जत के नज़र से देखते हैं। इसी तरीके से कोई भी काम यदि आप करते हो, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया और आप काम पे लगे और काम में कामयाब हो गए, तो ये लोग बाद में ही आपको मानते हैं। गुरु नानक साहब की बाणी 500 साल पहले लिखी गई, वो अभी तक लोगों के ऊपर से निकल जाती है। क्यों? लोगों का मेंटल लेवल नहीं था उतना। जब यदि लोगों का मेंटल लेवल होता तो वो समझ लेते, तो फिर गुरु नानक साहब और लोग बराबर ही हो जाते, तो वो बराबर नहीं थे। गुरु नानक साहब बहुत बड़े महापुरुष थे और उनकी जो बातें थी लोगों को समझ में नहीं आती थी, और इसीलिए उनको भूतना बिताला पता नहीं क्या क्या शब्दों के साथ उनको संज्ञा दी गई। तो इसी तरीके से जो भी बंदे ने दुनिया से अलग काम करने की कोशिश की है, वो लोग लोगों की विरोधता का शिकार जरूर हुए हैं। मैंने लिखा लोग अपने जैसे लोगों को ही पसंद करते हैं। भाई ये लोगों की बात नहीं, आप भेड़ बकरी में भी लगा लो, भेड़ भेड़ के साथ रहेगी, बकरी बकरी के साथ रहेगी, भैंस भैंस के साथ रहेगी, गाय गाय के साथ रहेगी, शेर शेर के साथ रहेगा। अपने जैसे लोगों को ही पसंद करते हैं, जो उनका मेंटल लेवल है उसी के। यदि हम भी जो हमारे आसपास में समाज रह रहा है, यदि हमारा मेंटल लेवल भी, हमारी आदतें भी उन जैसी हों, तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं, हमें एक मिनट में एक्सेप्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब वो बात कुछ करते हैं और हम बात कुछ करते हैं, हमें तो उनकी बात समझ आ जाती है, लेकिन जो बात बंदा बड़ी बात कर रहा है उसकी बात लोगों को समझ नहीं आती, तो लोग उसको फिर पिन करते हैं और लोग उसको मतलब टॉर्चर करने तक जाते हैं। लेकिन जो आदमी सच्चा है वो सच्चा है। ये मैंने जो जितने नाम लिए, गैलीलियो, अरिस्टोटल या ये अपना मार्कोनी, राइट ब्रदर्स, गुरु नानक देव और कितने मतलब महापुरुष, ये सभी इसी बात का शिकार हुए कि इन्होंने अपने साथ वालों से ऊपर लेवल की बात करी और समाज में इनका विरोध हुआ। यदि आपका भी समाज में विरोध हो रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो ये समझो कि आप कोई ना कोई बड़ा काम करने जा रहे हो। यदि आपके 10-20 आदमी आपको अपोज नहीं करते, आपको क्रिटिसाइज नहीं करते, तो ये समझो आप कोई बड़ा काम ही नहीं कर रहे। तो मैं खुद भी इस बात का शिकार हूं कि मेरे को लोग ज्यादा अपोज ही नहीं करते, बहुत कम अपोज करते। जब मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी तो करते थे, और दूसरे कोई बात मतलब रहती तो करते थे। अदरवाइज जितनी मेरी विरोधता हो जाती तो मेरा लेवल और ज्यादा बड़ा हो जाता। सो दोस्तों, मैं भी आम लोगों की तरह ही चल रहा हूं, और ये वीडियो में सिर्फ यही मैसेज है कि यदि लोग आपकी विरोधता करते हैं, आपको अपोज करते हैं, आपके अपोजिट साइड पे खड़ते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। इसका मतलब आपका रास्ता लोगों से अलग है और आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो। तो फिर आप बड़ा करने जा रहे हो तो आपको सलूट भी बड़ा, मेरी तरफ से भी आपको बड़ा सलूट है। सो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आ जाएगा, समझ आ जाएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर कर देना, चर्चा कर लेना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए हो इस चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी जरूर दबा देना। आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके रूबरू होऊंगा। तब तक आप इस तरीके की बातें सीखते जाओ, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे हम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।
पढ़ना शुरू करो, सीखना शुरू करो, आगे बढ़ना शुरू करो, लोग आपके पीछे लग जाएंगे। जो लोग आपको आज पागल कहते हैं तो वो लोग आपको जीनियस कहेंगे। पागल का वैसे भी मतलब पा प्लस गल का मतलब है, जिसने गल को पा लिया, जिसने बात का भेद पा लिया वो लोग पागल हैं। तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं, लगे रहो, हम आपके साथ हैं, हम भी आप जैसे ही बनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपके सामने रूबरू होऊंगा। राजवंशी मौली आपका होस्ट, आपका दोस्त, थैंक यू।